हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पिजन्स लवर अक्की पर। दोस्तों मैं आपका अपना अक्की चौधरी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वैसे तो मैंने अभी सोचा नहीं था कि मैं कैमरा फेस करूं, ठीक है, मगर करना पड़ रहा है किसी कारण, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं उसके बाद कैमरे को फेस करूँगा, ठीक है। बट अभी मेरे 512 प्लस के लगभग मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो खैर कोई नहीं, तो आज दोस्तों मुझे लगा कि मैंने कैमरे को फेस कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, भाइयों की सपोर्ट आएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कबूतरों को डिवॉर्मिंग क्यों करानी चाहिए, ठीक है, और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और कितने कितने गैप के बाद करानी चाहिए हमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक हमारे बड़े भाई हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, तजमुल हुसैन साहब, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, एक हकीम है और जो कि बिलोंग करते हैं बिजनौर से, ठीक है भाई। तो दोस्तों उन्होंने भी हमें एक नुक्ता बताया अपना, जो वो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, तो हमें लगा कि हमें भाइयों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डिवॉर्मिंग क्यों करनी है और कब करनी है, ठीक है। डिवॉर्मिंग करनी है आपने जब आपका कबूतर सुस्त हो रहा है, ठीक है, और दाना खा रहा है पर दाना उसको लग नहीं रहा है, ठीक है, तब आपने डिवॉर्मिंग करनी है। आप दाना उसको अच्छा दे रहे हो, मिक्स दाना दे रहे हो, पर वो कबूतर को लग नहीं रहा है, कबूतर सूखता जा रहा है या अपना वेट लॉस कर रहा है, तब आपने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है, ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर ये कि कबूतर अगर हमारा सुस्त होकर बैठ रहा है, दाना नहीं खा रहा है, फूल रहा है और बैठ जा रहा है, ठीक है, दूसरा ये हो गया है। और दोस्तों और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत ज़्यादा बताऊँगा, ठीक है, तो टाइम ही वेस्ट होना है और कुछ नहीं है। आप सभी भाई को, कुछ भाइयों को पता भी होगा और कुछ भाइयों को नहीं भी पता होगा, जो न्यू है, न्यू जनरेशन के, शायद उनमें से कुछ को ना पता हो, सभी को पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ अपने डिवॉर्मिंग कैसे करनी है और कितने टाइम के गैप में करनी है। आपने जो डिवॉर्मिंग करनी है वो करनी है आपने एक साल में 2 से 3 बार आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, मगर ये है कि प्रॉपर डिवॉर्मिंग होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ एक एलोपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ, जो एल्बोमार है। इसका कुछ दोस्तों को तो पता होगा कि यहाँ कर भी रखा होगा कुछ दोस्तों ने, मगर जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों एल्बोमार है, किसी भी वेटनरी शॉप से इजीली मिल जाएगी आपको। और अब ये आता है कि देनी कैसे है आपने, अपने ये मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपने कितने कबूतरों पर कितना यूज़ करना है। दोस्तों ये आपने यूज़ करना है 4 ml 10 कबूतरों पे यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने 4 ml एल्बोमार लेना है और 100 ml लेना है आपने पानी, ठीक है, उसको मिक्स कर लेना है और 10-10 ml आपने सभी कबूतरों को पिला देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आता है जिन भाइयों के ज़्यादा कबूतर हैं तो उन्होंने 4 के हिसाब से 4x10 कर लेना है या 4x50 कर लेना है, उस हिसाब के आपका निकल के आ जाएगा कि हाँ कितना कितना मिक्स करना है और आप कर सकते हो। और दूसरा जो हमारे तजमुल साहब हैं उन्होंने बताया था, डॉक्टर तजमुल साहब ने एक नुक्ता बताया था, बहुत अच्छा नुक्ता लगा मेरे को, तो शायद आपको भी पसंद आया तो मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। दोस्तों अधिकतर हमारी किचन में यूज़ होता है जो नुक्ता भाई ने बताया उन्होंने, वो नुक्ता ये है, जो एक खाने का सोडा आता है, बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं जिसको, सभी के घर में इजीली मिल जाता है। आपने करना ये है, 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम, ठीक है, 1 ml पानी, 1 लीटर पानी में आपने 2.5 ml 2.5 ग्राम डालना है। 2.5 ग्राम भी अगर आइडिया ना लग पाए तो आधा चम्मच आप डाल दें 1 लीटर पानी में आधा चम्मच आप डाल के और दे दें, ठीक है दोस्तों, आपके कबूतर ठीक हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट है, अब डिवॉर्मिंग तो हमने कर लिया, अब उसकी केयर कैसे करनी है, केयर का आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ। एक मेरे पास अभी ऑस्टोवेट नहीं है अवेलेबल है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर कर दूंगा, पर मैं भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने उनकी केयर करनी कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने करना ये है, एक विमराल की बोतल ले लेनी है, छोटी बोतल आती है, और एक लेना है आपने ऑस्टोवेट, ठीक है दोस्तों। ऑस्टोवेट के अंदर आपने जो 30 ml की सीसी आती है विमराल की, वो आपने विमराल की जो सीसी है वो ऑस्टोवेट में डाल देनी है, उसको मिक्स कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब आपने ये करना है, कम से कम 1 महीने आपने करना है डिवॉर्मिंग के बाद,
एक महीने आपने ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऑस्टियोवेट जो होता है और विमराल जो होता है ये देना देना है, ठीक है। और इसमें अगर हो सकता है तो आप ब्रूटॉन भी मिक्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रूटॉन एक लीवर टॉनिक होता है, सभी को पता है, तो वो भी लगा दोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। पर ये केयर ज़रूर करनी है आपने, दाने में मिक्स दाना देना है। और जो आप ये मिक्स कर लोगे ऑस्टियोवेट में विमराल डाल के, इसको आपने एक ढक्कन एक लीटर पानी में डाल के कबूतरों को दे देना है। अब बात ये आती है कि आपने किन कबूतरों की डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों जो कबूतर आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं उनकी नहीं करनी है। सबसे पहले उनकी बीमारी को, जो उनको बीमार हो रहा है उस बीमारी का इलाज करना है, फिर उनकी डिवॉर्मिंग करनी है, ठीक है। बच्चों की डिवॉर्मिंग नहीं करनी है, जो कबूतर बच्चे पाल रहे हैं उनकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो घंटी का जो बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। और ऐसी सीरीज वाइज सीरीज हम वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।